ये फेयरवेल इज ए वेरी पॉजिटिव स्टेप टू हैव कोऑर्डिनेटेड रिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड आफ्ताब, क्योंकि आफ्ताब का फेडरेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट होके एक साथ काम करने से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भलाई के लिए बहुत अच्छा चीज़ कर सकता है। ये है बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चल रहा है कैपिटल एरिया में वो उन लोग का अंडर में है, तो ट्रांसपोर्टर को मोबिलाइज करने के लिए, कन्विंस करने के लिए उन लोग का हेल्प बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डायरेक्टली हम लोग लॉ एनफोर्स करने से इट फाइंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर लोग मैंने लॉ कानून का बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। सो ड्राइवर लोग को समझाने के लिए, बताने के लिए और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी देने के लिए उन लोग का हेल्प बहुत ज़रूरी है। और फॉर एग्जांपल हम लोग मिल के उन लोग का साथ ले के ट्रैफिक अवेयरनेस भी हम लोग ने 2-3 बार भी कर चुका है। हम यहाँ में आने के बाद 3 इयर्स हुआ है, तो 3 इयर्स में 1 ईयर आधा तो कोरोना में चला गया, उसके बाद 1 साल तो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन ऐसा होके, बट इवन देन मेरा तरफ से जो सकता है वो तो कोशिश तो किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ बाकी भी है। और मेन प्रॉब्लम था ये हाईवे इनकम्प्लीशन, तो हाईवे इनकम्प्लीशन होने के नाते हम लोग ने जो सोचा है वो इम्प्लीमेंट नहीं सका, बट ईटानगर वाला तो हो गया है। तो एस आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन माई प्रीवियस स्पीच ये ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईटानगर में पार्किंग इस मस्ट, क्योंकि हम लोग ने पार्किंग एरिया फॉर वेरियस व्हीकल बहुत प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक प्रॉपरली किसी ट्रांसपोर्ट यूनियन को अलॉटेड नहीं हुआ है। तो हम मेरा सक्सेसर को मैंने वो ब्रीफ भी कर रहा हूँ, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि वो ये पार्किंग एरिया को सॉल्व कर देगा। पीपल ऑफ ईटानगर के लिए हम जो बोलने के लिए है ये तो कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छा से फॉलो कर दीजिए, और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस होता है। मेरा रिएक्शन ये होगा, स्पेशली आफ्ताब का आज जो फेयरवेल प्रोग्राम होस्ट किया है और हमको वेलकम किया है, ये जैसा हमारा आगे आउटगोइंग डीटीओ ने बताया, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऊपर में ही काम करता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लोग अंडर द बैनर ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। तो ऑल अरुणाचल आफ्ताब जो है ये वेलफेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको देखना चाहिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने उसको सिस्टम में ले आने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो सुपरवाइज करता है। तो इसलिए जो आज जो फेयरवेल पार्टी रखा है ये आपका तरफ से एक ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड जो आउटगोइंग डीटीओ उसी के लिए रखा है, और हमको वेलकम किया है इसीलिए हम बहुत थैंक यू देता है। अभी हम जस्ट कल ज्वाइन किया है, तो ये जगह में हम तो न्यू नहीं है, हम इधर का है, आगे हम एज ए MBA इधर बहुत साल रहा, और हर नुक एंड कॉर्नर का हम भी जानता है, ये का थोड़ा प्रॉब्लम को जानता है। तो एज ए डीटीओ रिस्पॉन्सिबल अभी हम कैपिटल में डीटीओ बनना भी इतना इजी नहीं है, वर्क लोड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर, वो हम तैयार है काम करने के लिए,
वो क्या बदलाव लाना है नहीं लाना है, जैसा हम आगे भी बोला है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो कुछ चेंजेस तो आना है। आदमी को, पब्लिक को, सिटीजन को मालूम होना है कि हाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो इसलिए वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ आपका स्कीम और प्रोजेक्ट जो भी है, जो नया चीज़ लेके आएगा वो हम लोग करेगा एंड देट विल बी ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हम प्रपोज करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब अप्रूव करेगा तब इम्प्लीमेंटेशन में हम आपका साथ हमको ये है नेसेसरी है, क्योंकि उन लोगों का सहायता से हम आगे जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं, ये जो आपका स्ट्रीट वेंडर का जो अभी हम लोग का जो डिप्टी कमिश्नर ICR रीजन का जो एक्शन ले रहा है, जो ऑन प्रोसेस में है, उसके बारे में तो हमको तो अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि जस्ट हम कल ही ज्वाइन किया, तो उसको भी देखते हैं। और जो तो ये डिप्टी कमिश्नर ICR जो कर रहा है वो तो बेटरमेंट एंड वेल बींग, एक सुंदरता कैपिटल को ले आने के लिए काम कर रहा है। पब्लिक तो उसका साथ देना चाहिए। और जो आपका मेरा जो अपना ओपिनियन जो थिंकिंग है, जो स्ट्रीट वेंडर आपका रास्ता का गली में ड्रेन का ऊपर में जो बैठ रहा है, वो हमको तो थोड़ा अनवर्डी लगता है, क्योंकि इसमें एक सुंदरता का कैपिटल का रास्ता में इसमें तो अभी एयरपोर्ट भी शुरू होगा, बाहर का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग आएगा तो रास्ता ईटानगर देखेगा, पूरा रास्ता में दुकान स्ट्रीट में बैठता है, थोड़ा तो एक क्लमजी मतलब एक सुंदरता उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो जो भी डिप्टी कमिश्नर ICR कर रहा है, पब्लिक शुड कोऑपरेट विथ हिम, सपोर्ट विथ हिम, क्योंकि वो अपना के लिए नहीं कर रहा है, एक कैपिटल को सुंदरता लाने के लिए वो कर रहा है। तो इसी में जो पार्किंग जो बात क्या है, पार्किंग का तो जब गाड़ी साल साल महीना महीना में उसमें घुस रहा है, पार्किंग जगह तो निकलना चाहिए। तो इसका लिए तो हम लोग 10-20-15-16 साल का पहले भी हम लोग ऐसा स्ट्रेटेजी अंडर द डिप्टी कमिश्नर ये CV Kumar उसका समय में भी हम लोग किया था, लेकिन उसमें कुछ कुछ अधूरा रह गया। अभी तो आपका लैंड जो है आप सब मालिक का ही रह गया, गवर्नमेंट का जगह है ही नहीं है, तो इसलिए उसमें वर्कआउट करेगा। हम ऑफिस पूरा सेटिंग होने के बाद आई विल डिस्कस विद डिप्टी कमिश्नर, उसमें हम लोग क्या कर सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन उसको भी हम शेयर करेगा। शेयर करने के बाद क्या एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलता है। वो पार्किंग एरिया तो हम लोग को चाहिए चाहिए हर आदमी को। अब मार्केट करेगा, गाड़ी रखने का जगह नहीं, गाड़ी घूमते रहेगा, मार्केटिंग भी नहीं कर पाएगा। और स्ट्रीट वेंडर को हमारा ये सजेशन कि जो रास्ता के सामने में ये ड्रेन का ऊपर में बैठ रहा है वो कहीं हट जाने से अच्छा है। और हम लोग का ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मुताबिक जितना पब्लिक एट्रैक्शन प्लेस है, जैसा बैंक हो गया, मार्केट हो गया, दे शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द नेशनल हाईवेज, वो एक पॉलिसी होता है, वो उसको मानने से ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है ये स्ट्रीट वेंडर को, हम लोग उन लोगों को एक स्पेसिफिक जगह रास्ता से दूर उसमें बनाएगा, उसमें मार्केट रास्ता में बैठना बोल के जरूरी नहीं है ना, उसमें कमाना बोल के भी तो जरूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक लोकेशन उस पर कर उसमें तो कमा सकता है। जैसा हम ये आपका ये APBN ईस्ट न्यूज़ जो चैनल है इसका थ्रू से मैं ये पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का ट्रैफिक पुलिस है अंडर द सुपरविजन ऑफ SP ट्रैफिक, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्रैफिक रूल को अगर आप लोग फॉलो करेगा, आप सेफ्टी होगा, आपका कन्वीनियंस होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेगा आपका इनकन्वीनियंस होगा, आपका डेंजर होगा, एंड यू गिव डेंजर टू अदर रोड यूजर्स। तो इसलिए ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। और जो तलोपतम डिप्टी कमिश्नर ICR जो काम कर रहा है वो कैपिटल को सुंदरता ले आने के लिए कर रहा है, उसको साथ देने से ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग का चैनल से हम ये पब्लिक ये ईटानगर का जो सिटीजन को मेरा रिक्वेस्ट है, सब एक सुंदरता, एक प्लान, एक नीट एंड क्लीन सिटी चाहिए। इसका लिए जो काम कर रहे हैं और हम लोग का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कल भी जो भी ट्रैफिक होगा, फिर हम लोग भी अभी चेकिंग में निकलेगा, उसमें हम लोग का रेवेन्यू लीकेज भी बहुत है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो रेवेन्यू लीकेज कहाँ कहाँ में वो भी हम लोग को पता है, तो उसमें भी हम लोग वेंचर करेगा। इसलिए आप लोग साथ देना है, आप लोग रेवेन्यू देगा, डेवलपमेंट आप लोग का रुपया वापस जाएगा, डेवलपमेंट में काम आएगा, यह मेरा विश है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जो भी हम लोग सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, रूल्स है,
और स्टेट मोटर व्हीकल का रूल्स जो बनाने वाला है, फ्रेमवर्क जो उसी में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा, इसमें आप लोग साथ देना है। ट्रैफिक पुलिस जो है सुबह से लेकर आपको शाम तक आपको मैनिंग करता है, ये डायरेक्शन चेकिंग करता है, तो उन लोगों का साथ दीजिए तो हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। मैं सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को और भाई और बहनों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारा APN न्यूज़ और इस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, आज जानकारी दे रहा हूँ। और हमारा जो फ्रेंड्स चकवा वंश जो डिजिटल दीदियों में 3 साल रहा है, बहुत पुराना दोस्त है, और आज हमारा लोहित तेजू नवसेत्र में उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके लिए आज हम लोग जो है फेयरवेल दे रहा है इस आफ्ताब स्टेट ऑफिस में, तो अंदर द लीडरशिप ऑफ माई सर लोहित सिंह। तो मैं हमारा जो चकवा वंशु साहब को मैं बधाई का साथ में टीम आफ्ताब की ओर से प्रार्थना का साथ में दुआ करता है, और जहाँ भी जाएगा जिस इलाका जिस राज्य में जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा वो अच्छा से यहाँ जैसे काम किया है वहाँ भी ऐसे काम करेगा, और उसका परिवार को प्रार्थना है वो सही सलामत कोई दुख तकलीफ ना पहुँचे, यही मैं हमारा आउटगोइंग द्वितीय चकवा साहब को मैं यही मैं विश देता हूँ। और हमारा जो आने वाला जो न्यूली जो कैपिटल द्वितीय है हमारा तिजीत कब साहब है, ये भी हमारा फ्रेंड्स है बहुत सालों से, 2000 से जब हमारा आफ्ताब जब फॉर्मेशन हुआ था फंडल प्रेसिडेंट जॉन पजा साहब का लीडरशिप में, तब से हमारा MBA तुकम साहब ने बहुत अर्थक को साथ दिया है। स्पेशल जब 2008 में जब हमको जब आफ्ताब का महामंत्री सेक्रेटरी जनरल बनाया था, तब से हम इसका अंदर में काम किया, इस मिल के काम किया है, तो वही यादें वही दिन वही पुराना फिर अभी शुरुआत होगा, तो अभी उस पोजीशन से आज द्वितीय में आ गया, तो पापम्पारे में द्वितीय बैठा है उसमें भी हमको बहुत सपोर्ट दिया, आज कैपिटल में बैठा है जहाँ हम लोग का मेन पावर है, जहाँ इसमें काम कर रहा है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, इसमें हमारा जो न्यूली आज का कैपिटल द्वितीय हमारा तुकम साहब है वो ज़बरदस्ती काम करेगा, क्योंकि लोकल है यहाँ का और हर कोना हर पन्ना को वो कर सकता है, क्योंकि उसका तैलेंट उसका जो स्मार्ट है उसका दायने में एनर्जी है, क्योंकि हम बहुत साल से जानता है, तो इसलिए विश्वास का साथ में जैसे अभी हम लोग बॉम्बे गया है गोवा गया है मेट्रोपोलिस सिटी में गया है ट्रांसपोर्ट का जो रिलेटिव में हम लोग वहाँ जाने के, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का फुल सपोर्ट का वजह से टीम आफ्ताब जो है हम इंटर स्टेट नेशनल जो टूर प्रोग्राम किया है तो उसको लेके हमारा न्यूली आज जो द्वितीय कैपिटल है दिजीत कप साहब से मिल के हम लोग आगे काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तनु कुतुब साहब 2008 से वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज DC बन गया बहुत खुशी का बात है। हमारा पुलिस प्रशासन का जो कैपिटल का जो पुलिस जिमी चरम साहब IPS वो बहुत बढ़िया एकदम ब्रिलियंट है, हमारा होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सर्विस देते हैं बाबा पुलिस साहब, इसलिए हम लोग का साथ अब तक का साथ जुड़ा रहे वो, तो हम DTO साहब और हमारा DC साहब और SP साहब का साथ मिल के MBA साहब का साथ मिल के हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कमर्शियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को किस तरह से हम लोग जो है ब्यूटिफिकेशन और पार्किंग का जो सस्ते में दी है, जैसे मेट्रोपोलिस सिटी में बॉम्बे गोवा में हमने सीख किया है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट को लेके आया, यहाँ में हम लोग जो टैक्सी को अभी किस तरह से कलर बनाएगा, किस तरह से नंबर प्लेट को पहचान करेगा, ड्राइवर को कैसे यूनिफॉर्म में कराएगा, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह से पहचान बनाएगा, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ICR तेजी साहब का लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर अभी बहुत आगे डेवलपमेंट करेगा, हम विश्वास है ये बहुत स्मार्ट है हमारा तुकाब साहब बहुत स्मार्ट है, तो ये विश्वास है। और हम लोग का साथ में जैसे वांगचू साहब जो है और कुछ द्वितीय साहब जितना गया और विश्वास उससे डबल गुना ज्यादा करेगा मिलकर मैं विश्वास करता हूँ। हाँ ये जो है हमारा जो ट्रांसपोर्ट फ्रेटर्निटी में
ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में लास्ट जब से हम इस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में अंडर द लीडरशिप ऑफ 100% जॉन पंजा साहब का समय से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट का वेलफेयर 0% है, गवर्नमेंट का तरफ से 0% है। तो इस चीज़ को ध्यान करते करते लास्ट 2018-19 में हमारा अरुणाचल का युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू साहब जी को हमने बुलाया है और हमारा मंच पे, हमारा मैदान में वो आया है, वो हमारा बात को सुना है। हमने ये डिमांड किया था दो एजेंडा, हमारा 10,000 लोग, हमारा ट्रांसपोर्ट कैपिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग सारा बन करके 10,000 लोग जो है सीएम साहब का साथ में बैठा है। नंबर वन था हमारा डिमांड अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का वेलफेयर फंड बोर्ड, वो है लाइक लेबर बोर्ड जैसे अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का वेलफेयर फंड बोर्ड, जो आज लेबर मजदूर को जैसे वेलफेयर मिल रहा है वैसे प्रकार में हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमको जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऑटो टेम्पो ट्रेकर टाइप ऑफ द कमर्शियल व्हीकल में कि इसमें कोई वेलफेयर नहीं मिला, इसलिए मुख्यमंत्री साहब से ये डिमांड रखा है। मुख्यमंत्री साहब ने 2019 का जो हमारा विधानसभा इलेक्शन वोटिंग होने का साथ साथ में हमें कवर किया है और हम साउथ में चला गया तमिलनाडु केरला से, एक सप्ताह में वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ का बोर्ड का चेयरमैन है, वहाँ का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वहाँ का मंत्री है, हम मिलके वहाँ का दुनिया भर का फाइल को लेके, बोर्ड का फाइल को लेके यहाँ में हमने उसका जो एक और रूल को मॉडिफाइड किया, साउथ का जो केरला तमिलनाडु का एक रूल को मॉडिफाइड किया। करने का बाद में फिर हमने यहाँ में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट में सबमिट किया एज ए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है HOD से, तो सबमिट करके गवर्नमेंट लेवल में चला गया, जाके करके फिर लॉकडाउन हो गया, करते करते तो AR डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 80% AR डिपार्टमेंट से क्लियर कर दिया। तो ऐसे करके हमारा जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी है बहुत साथ दिया है, उसका जो AR का सेक्रेटरी है जो अजय जी है और चीफ सेक्रेटरी का OC भी है वो भी बहुत साथ दिया है, हमारा दानिश अली सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वो भी साथ दिया है, और हमारा मंत्री साहब श्रीमान नकम नालो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो तो दुनिया भर का कमेंट्स कर दिया है, सोनाम साहब ये तो बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, ये एक ड्राइवर का वेलफेयर काम लेके आए। तो ऐसे उम्मीद का साथ में हम ये ट्रांसपोर्ट बोर्ड को डिमांड है, और अभी यही महीना में, 11 महीना में फरवरी का फर्स्ट वीक में हमारा मुख्यमंत्री साहब ने एश्योरेंस किया है, इस फाइल का साथ साथ में मैं इमीडिएटली आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जितना जो वेलफेयर का इस चीज़ को मैं ये ट्रांसपोर्ट बोर्ड को क्रिएशन कर देगा, सीएम साहब ने वादा किया। तो ये मेरा लिए बहुत बड़ा हमारा ट्रांसपोर्ट फ्रेटर्निटी का अचीवमेंट होगा कि कल कोई भी मेडिकल का प्रॉब्लम होगा, मेडिकल का कुछ और मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए, बच्चा का एजुकेशन के लिए मिलेगा, ड्राइवर का कोई बेटी का शादी है उसके लिए वेलफेयर मिलेगा, और गाड़ी का लोन भी होगा, और कुछ लैंड का घर बनाएगा उसका भी कुछ लोन मिलेगा, बहुत सा वेलफेयर है ट्रांसपोर्ट बोर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।